रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फॉर जेई मेन और नीट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चंस ना पूछे गए हों जेई मेन में, नीट में, इवन इन जेई एडवांस ऑल्सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स पे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। हम आज की चेकलिस्ट में फंडामेंटली वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं जिन पे क्वेश्चंस ज्योमेट्रिकल या रे ऑप्टिक्स में पूछे जाते रहे हैं या आने वाले टाइम में पूछे जाते रहेंगे। अब तक हमने मेजर चेकलिस्ट कवर कर ली हैं और इस चेकलिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होने वाली हैं। ज्योमेट्रिकल या रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम मिरर्स की बात करते हैं, प्लेन स्फेरिकल मिरर्स और रिफ्रैक्शन एट प्लेन एंड स्फेरिकल सर्फेसिस, लेंसेज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप हम लेंगे और पॉइंट वाइज कवर करेंगे। मैं जो स्टूडेंट्स चेकलिस्ट वीडियोस पे नए उन्हें बता दूं, यहाँ पे हम इलस्ट्रेशंस कवर नहीं कर रहे हैं, क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा टॉपिक फास्टेस्ट और मिनिमम टाइम में कवर करने वाले हैं ताकि आप पूरे रिविजन के लिए लास्ट मोमेंट पर बहुत जल्दी प्रिपेयर हो सकें। और जिन्होंने चेकलिस्ट का हमारा सैम्पल वीडियो नहीं देखा है, आई सजेस्ट स्टूडेंट उस सैम्पल वीडियो को देखें और समझें किस तरीके से आप अपनी कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट बना सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किए थे कि अगर हमने कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट नहीं बनाई है तो क्या भी बनाई जानी चाहिए, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा अगर आप रिसेंटली एग्जाम देने वाले हैं, क्या दो महीने में आपका एग्जाम है, तो कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट विल नॉट हेल्प यू। आप इस गाइडेड चेकलिस्ट को फॉलो करें और हमारी फिजिक्स गैलेक्सी की जेई मेन कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन की जो बुक अवेलेबल है, जिसमें प्रीवियस 18-19 ईयर्स के कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस हैं, टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड हैं, इवन एनसीईआरटी लेवल पे सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस हैं और डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस हैं। उस बुक को फॉलो करें और उन सारी चीजों को अच्छी तरह से डेवलप करें, क्योंकि मैक्सिमम ऑलमोस्ट 65-70% क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिराइव्ड होते हैं जेई मेन के अंदर, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अभी हम स्टार्ट करते हैं जेई मेन और नीट रिविजन चेकलिस्ट फॉर ज्योमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स। आई स्ट्रांगली सजेस्ट अगर आपने नहीं किया है, प्रीवियस चेकलिस्ट आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को भी आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर। स्टूडेंट्स रे ऑप्टिक्स में सबसे पहली चीज़ जहाँ से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो इसी नाम से रे से स्टार्ट करेंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग ऑल ऑफ यू नीड टू कीप इन माइंड कि एक लाइट रे क्या होती है और एक लाइट बीम क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले आपको रे और बीम का बेसिक डिफरेंस और इनके एप्लीकेशंस क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रे और बीम की क्लैरिटी नहीं है तो पूरी रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में आप कंफ्यूज रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को टेकअप नहीं कर पाएंगे। सो रे और बीम में हम ये कह सकते हैं रे इज़ एक दूसरे के साथ लिंक करके समझते हैं, सो अंडरस्टैंडिंग वुड बी बेटर। इट इज़ वेरी थिन बीम ऑफ लाइट, और लाइट बीम को हम डिफाइन करते हैं इट इज़ a bundle of several light rays। कई स्टूडेंट्स यहाँ कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने बीम को रे की टर्म्स में डिफाइन कर दिया, रे को बीम की टर्म्स में डिफाइन कर दिया। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बीम होती है लाइट जिस पाथ पे ट्रेवल करती है, एक मोटा क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट, एक टॉर्च को ऑन कर दीजिए आप। सो अगर हमारे पास एक टॉर्च है, इस टॉर्च को हम स्विच ऑन करते हैं तो जो लाइट है अगर स्ट्रीट लाइन में ट्रेवल करती है, अगर इसमें एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लगाए तो बिल्कुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगी। दिस इज व्हाट वी कॉल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज अ लाइट बीम जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर या रेक्टेंगल या किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन थ्रू आउट लाइट बीम जहाँ तक ये लाइट बीम ट्रेवल कर रही है क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता। और इस बीम को कंसिडर किया जाता है बंडल ऑफ सेवरल लाइट रेज, ये जो मैंने एरोज और लाइन्स बनाई है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज सेवरल लाइट रेज ट्रेवलिंग टुगेदर। और रे को आप डिफाइन कर सकते हैं वेरी थिन बीम ऑफ लाइट, इस लाइट बीम को पतला करते जाइए, थिन होते होते इतना पतला हो जाएगा जिसको हम ये कह सकते हैं दैट इज वेरी थिन बीम ऑफ लाइट विच इज कंसिडर्ड एज अ लाइट रे। बट ये ध्यान रखिएगा रे इज इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, रे प्रैक्टिकली कंसिडर नहीं की जाती है, रे को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट किया जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट एज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए रे को डिफाइन किया जाता है, एंड इट इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, नेग्लिजिबल थिकनेस की बीम जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये माना जाता है कि उन सारी बीम्स का खूब डेंस अगर एक बंडल है तो वो एक लाइट बीम है।
यहीं पे हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ लाइट रेज और टाइप ऑफ लाइट बीम्स. लाइट बीम्स के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिफाइन किया, एक होती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक होती है ऐसी लाइट बीम जिसमें लाइट रेज एक दूसरे से दूर हटती हैं, दिस कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट. और एक लाइट बीम ऐसी होती है जिसके अंदर लाइट रेज एक दूसरे के पास आती हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल converging beam of light. You need to be very careful about three types of light beams. Diverging beam किसी एक point से originate होती हुई appear होती है. It is not necessary कि इस point से originate actually हो, लेकिन अगर diverging beam है तो ये किसी एक point से आती हुई appear होती है, और अगर कोई converging beam है तो किसी एक point की तरफ जाती हुई या एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई अपीयर होती है. दीज पॉइंट्स आर जनरली कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस इन रे ऑप्टिक्स. स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को हम और डिटेल में करेंगे. कोई भी चीज़ आप इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट वीडियोज में दिया गया, आप पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाके इन डेप्थ इन मॉड्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू कि आप एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं. यहाँ पे मैं रिविजन पर्पज से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लूँगा जो हमारी हेल्प करेंगे, और कॉन्सेप्चुअली दिस also complete in its own, but यहाँ हम derivation या illustrations consider नहीं कर रहे जो concept videos में और advanced illustration में already लिए जा चुके हैं. So this diverging beam, this converging beam, तीन तरह की beams होती हैं, इनकी utility आगे clear होगी. पहले हम बात करते हैं rays के बारे में, rays कितने तरह की होती हैं. So I request Poji to please clear the section of board. थैंक यू भोजी. सो अब हम बात करते हैं रेज के टाइप की. जैसे बीम्स तीन तरह की होती हैं, पैरेलल, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, और बीम इज अ बंडल ऑफ सेवरल रेज. तो सारी रेज का बिहेवियर मिलके बीम का बिहेवियर बनता है. बट अगर रेज की बात करें तो देर आर टू टाइप ऑफ रेज. एक को हम कहते हैं पैरेक्सियल रेज और दूसरी को कहा जाता है मार्जिनल रेज. अब एक बात अच्छी तरह से समझें, जब हम रे की बात करते हैं तो हमेशा इसको किसी ना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल डिवाइस के रिस्पेक्ट में बात की जाती है रे के बारे में, क्योंकि जैसा मैंने लिखा इट इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. मैंने ये भी बताया था कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट किसी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, किसी ऑप्टिकल डिवाइस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए होता है, चाहे वो ह्यूमन आई हो या कोई गैजेट हो या कोई इक्विपमेंट हो. यानी रे का यूज़ अगर कहीं पर हो रहा है तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट के या किसी डिवाइस के एक्सप्लेनेशन के लिए हो रहा है, जहाँ पर लाइट का बिहेवियर स्टडी किया जा रहा है. So, जब भी हम रे की बात करेंगे तो हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट या डिवाइस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे. सो पैरेक्सियल लाइट रेज वो होती हैं जो उस डिवाइस की प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज होती हैं. यानी अगर हम किसी लेंस की बात करें या मिरर की बात करें तो लेंस की एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो आपको पता है, जिस बारे में आप बेसिक लेवल पे इवन 9th ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं. अगर कोई लाइट रेज लेंस के ऊपर आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में है या इतना पास है और थोड़ा सा एंगल पे, इट इज़ नॉट नेसेसरली पैरेलल, आलमोस्ट पैरेलल मान सकते हैं. यहाँ पे जो ये एंगल है इस लाइट रे का, थीटा एंगल कह सकते हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल. सो हम ये कह सकते हैं ये सारी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हैं और बहुत स्मॉल एंगल पे इंसिडेंट है या आलमोस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इन्हें हम कहते हैं पैरेक्सियल लाइट रेज, या पैरेक्सियल लाइट रेज को कहा जा सकता है वेरी क्लोज रेज, वेरी क्लोज एंड almost parallel to principal axis. These all rays are called paraxial light rays. तो generally एक बात और मैं बताता हूँ, generally हम इस chapter में जो आपके JEE Main, JEE Advanced and NEET में सबसे important section है ray optics का, इस पूरे chapter में ज़्यादातर question purposely JEE Main और NEET में तो ये पूछे जाते हैं, almost 90% से ज़्यादा question पैरेक्सियल लाइट रेज कंसिडर करके ही सॉल्व करने होते हैं. जे एडवांस में कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं ऐसे जिनमें मार्जिनल रेज की ज़रूरत होती है, वो रेज जो किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस से ज़्यादा एंगल या काफ़ी डिस्टेंस पे है या इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, ये सारी हम मार्जिनल रेज कंसिडर करते हैं. या कोई ऐसी रेज जिसका प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस एच है, तो यहाँ पे तो ये जो डिस्टेंस एच है, यहाँ पे एच एंड थीटा टू बी वेरी स्मॉल, यहाँ पे एच थीटा जो ये एंगल थीटा या एच है कैन बी लार्ज. अगर ये लार्ज वैल्यूज हैं इन दैट केस सच रेज आर कॉल्ड
मार्जिनल रेज, दोनों तरह की रेज जब किसी ऑप्टिकल डिवाइस पे इंसिडेंट होती है तो उनकी हैंडलिंग या उस सिचुएशन का एनालिसिस अलग अलग तरीके से किया जाता है, जो हम इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। टू द पॉइंट प्रिसाइजली मैं सारी चीज़ें ले रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को आखिर तक हर पॉइंट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके एग्जाम का आप हैंडल ना कर पाए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पोजी प्लीज़ क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि एक लाइट रे और लाइट बीम में क्या डिफरेंस होता है, और लाइट रे इज कंसिडर्ड एज अ वे जिसमें हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को थियोरेटिकली डिस्कस करते हैं। लाइट बीम को बंडल ऑफ लाइट रे की तरह से लिया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्शन का मीनिंग आप सबको क्लियर है, किसी भी सरफेस पे अगर एक स्मूथ सरफेस है, कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो इसका लाइट का रिफ्लेक्शन उस सरफेस से उसी एंगल पे होता है। अगर लाइट रे की बात करें, दिस कॉल इंसिडेंट रे, दिस रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हमेशा लिए जाते हैं। दिस व्हाट वी कंसिडर एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साथ में ये भी देखा जाता है कि जब भी कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। वी कैन राइट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। इस सेम प्लेन का मीनिंग ये है कि अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल, अगर नॉर्मल को हम कंसिडर करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट आउटवर्ड आएगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट भी आउटवर्ड आएगा। तो दिस मस्ट बी सेम विद आई आर कैप, क्रॉस प्रोडक्ट विद एन कैप मस्ट बी इक्वल्स टू आर आर कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद एन कैप। दिस वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड, जो ये बताता है कि ये तीनों सेम प्लेन में है। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे किसी और प्लेन में होती विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन सेम नहीं होती और हम यूनिट वैक्टर्स को इक्वेट नहीं कर पाते। सो मैथमेटिकली दिस सेकेंड लॉ, दिस फर्स्ट लॉ, दीज आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एज अ क्विक रिविजन मैंने यहाँ पे लिए। साथ ही एक पॉइंट और है रिफ्लेक्शन के अंदर समझने का, स्पीक्युलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जब हम रिफ्लेक्शन के टाइप की बात करते हैं, एक होता है स्पीक्युलर रिफ्लेक्शन जिसे हम रेगुलर भी कहते हैं। इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन आप ये कह सकते हैं किसी भी सरफेस पर कोई लाइट बीम इंसिडेंट होती है तो उस लाइट बीम में जितनी भी लाइट रेज हैं आफ्टर इंसिडेंट वो सारी की सारी सेम डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होती हैं। दिस व्हाट वी कॉल रेगुलर रिफ्लेक्शन, एट एवरी पॉइंट द सरफेस इज स्मूथ, तो लाइट पूरी एक ही डायरेक्शन में जाती है। दूसरा होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जब हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, डिफ्यूज को हम इरेगुलर भी कहते हैं। इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन सर्फेसिज आर लाइक दिस। ये जो मैंने ड्रॉ किया है आप ये कंसिडर कीजिए, जब हमने फ्रिक्शन पढ़ा था तो एक स्मूथ सर्फेस को हम अगर कंसिडर करते हैं तो कोई भी बॉडी ड्रैग की जाती है उस पर फ्रिक्शन नहीं लगता क्योंकि उस सर्फेस में इरेगुलरिटीज़ नहीं होती हैं। और एक रफ सर्फेस पर जब बॉडी ड्रैग करते हैं तो फ्रिक्शन क्यों लगता है, उसके लिए हमने देखा था, कॉन्सेप्ट वीडियो में भी है, पीजी बुक में भी है। आप अगर उस सर्फेस को मैग्नीफाई करें तो एक रफ सर्फेस ऐसी दिखाई देती है। सो किसी भी सर्फेस में जो इरेगुलरिटीज़ हैं, अगर इस पर कोई लाइट बीम इंसिडेंट होती है, दर इज अ पैरेलल लाइट बीम, तो हर पॉइंट से लाइट बीम अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। देर विल नॉट बी एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन इन विच द लाइट बीम इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है तो जो पूरी सर्फेस है चारों तरफ से देखी जा सकती है, चारों तरफ इसका ग्लो दिखाई देगा। दिस वॉट वी कॉल डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो ये बात हमने यहाँ पे क्विकली रिव्यू किया है कि रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है और रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के वेरियस केसेस के ऊपर। अगर हम एक मिरर की बात करें तो मिरर को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ट्रीट किया जाएगा। मिरर की सरफेस को आपको हमेशा स्मूथ मानना है, कभी इररेगुलर नहीं मानना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। बेसिक आइडिया आप सबको है कि एक प्लेन मिरर के सामने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे बनती है। ये आपने बेसिक थ्योरी में पढ़ा होगा। सो सबसे पहली चीज़, हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो प्लेन मिरर को एक ग्लास प्लेट के पीछे पॉलिश करके बनाया जाता है। सो एक ग्लास प्लेट के पीछे अगर मैं हैचिंग दिखाता हूँ तो दिस द सिंबल बाय विच वी रिप्रेजेंट अ प्लेन मिरर। अगर इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, पहले हम बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की,
तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया, ये बात हम थ्योरी में पहले पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट रेज। मैं सारी डेफिनेशन चेकलिस्ट में नहीं लिखूंगा, लेकिन पॉइंट वाइज मैं कवर सारी चीज़ें कर लूंगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जब भी आपके सामने आएगा इसको ही माना जाएगा, इससे बहुत सारी लाइट रेज रेडियली आउट निकलती हैं, जबकि एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि वो लाइट बल्ब हो, किसी और सोर्स से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके भी दिखा जा सकता है। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसा होता है जिससे लाइट रेज, हम ये कंसिडर करते हैं, किसी भी सरफेस पे गिरती हैं। ये सारी लाइट रेज डाइवर्जिंग रेज हैं, एक्चुअली ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रियल ऑब्जेक्ट। आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट या रियल वर्चुअल इमेज में कोई कन्फ्यूजन है, ऑल दो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन डिटेल एनालिसिस के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाके, अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ पे सेपरेट वीडियो में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज रियल और वर्चुअल किन किन कंडीशंस में होते हैं और कैसे कैसे एनालाइज किया जाता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो रियल ऑब्जेक्ट वो है जिससे डाइवर्जिंग लाइट रेज निकलती हैं, इस सरफेस पे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, और डाइवर्जिंग इंसिडेंस हो रही है लाइट रेज। तो मिरर हमेशा आप ध्यान रखिएगा, प्लेन मिरर कभी लाइट रेज के या लाइट बीम के नेचर को चेंज नहीं करता। अगर एक डाइवर्जिंग बीम मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड बीम भी डाइवर्जिंग ही होगी, बीम का नेचर कभी प्लेन मिरर चेंज नहीं करता। सो डाइवर्जिंग बीम अगर रिफ्लेक्ट होती है तो हम ये देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं पीछे से किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। ऑब्वियसली ये कोई रियल पॉइंट नहीं है जहाँ से लाइट रेज निकल रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज, बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉइंट वेयर लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग और एक्चुअली विच आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो आप ये कह सकते हैं दिस इज अ वर्चुअल इमेज, और डाइवर्जिंग लाइट रेज होंगी तो हमेशा इमेज वर्चुअल होगी, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ इन दिस सिचुएशन दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट, दिस इज अ वर्चुअल इमेज, और जो डिस्टेंसेज आप अगर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो बाई सिमिलर ट्राइंगल ये प्रूव कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होगा मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे भी इमेज होगी, नेचर ऑपोजिट होगा। सो ये हमेशा ध्यान रखें, प्लेन मिरर के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, दूसरी चीज नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑपोजिट टू नेचर ऑफ इमेज, दिस फॉर अ प्लेन मिरर वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगी। ये केसेस भी आप विद रे डायग्राम कॉन्सेप्ट वीडियो में देख सकते हैं, बट इन चीज़ों को ध्यान रखें, या इमेजन भी कर सकते हैं कि अगर कन्वर्जिंग लाइट रेज आ रही होती तो ऑब्जेक्ट यहाँ वर्चुअल होता। देखिए अगर कन्वर्जिंग लाइट रेज आ रही हैं तो ये लाइट रेज किसी पॉइंट पे रियली मीट आउट नहीं कर रही, बट वर्चुअली इट अपीयर्स कि आगे कहीं मीट कर रही हैं, दिस पॉइंट इज टेकन एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब कई स्टूडेंट्स को जिन्होंने कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, फंडामेंटल थ्योरी नहीं पढ़ी, ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है, ये दोनों चीज़ें तो एक जैसी लग रही हैं। सो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। आप देखिए ये इंसिडेंट रेज हैं, यहाँ पर ये इंसिडेंट रेज थी, तो इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, और रिफ्लेक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे इमेज ट्रीट की जाती है। तो कन्वर्जिंग बीम आ रही है प्लेन मिरर, मिरर का नेचर बीम का नेचर चेंज नहीं करता, ये कन्वर्जिंग बीम ही होगी, और रिफ्लेक्टेड बीम कन्वर्ज करेगी किसी एक पॉइंट के ऊपर, विच वी कॉल एज अ रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट आउट कर रही हैं और आगे जा रही हैं। सो आप ये देखिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज, बेसिक पॉइंट ध्यान रखें। अगर हम बात करें किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, यहाँ हमने बात करी पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट के एज इट इज इमेज बनती है, लेकिन वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। आप यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट भी बात कर सकते हैं, डायरेक्टली लिटरल इन्वर्जन बाय प्लेन मिरर। सो अगर लेटरल इन्वर्जन बाय प्लेन मिरर की बात करें हम, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक मिरर है, इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड रखता हूँ एंड सिचुएशन इज लाइक दिस, तो इसकी जो इमेज बनेगी जस्ट अपोजिट बनेगी, इट विल बी मिरर इमेज। आप ये देखिए, अगर ये लेफ्ट हैंड था
तो इसकी इमेज राइट हैंड जैसी बनेगी, लिटरली इन्वर्टेड इमेज होगी, क्योंकि अगर हैंड का थंब फार्दस्ट है तो यहाँ पे भी थंब फार्दस्ट होगा, तो द इमेज विल लुक लाइक दैट ऑफ अ राइट हैंड. सो हमेशा प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट को लिटरली इन्वर्टेड कर देता है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक नेल है इंडेक्स फिंगर का, तो इसकी जो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज होगी इस नेल की इंडेक्स फिंगर उतनी ही डिस्टेंस पे होगी जितनी डिस्टेंस पे ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा. सिमिलरली जो थंब का नेल होगा उस थंब के नेल को भी अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करें तो ये डिस्टेंसेस बराबर ही दूरी के ऊपर होंगी. दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, दैट्स वाई लेटरल इन्वर्जन टेक्स प्लेस. सो किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज कैसे बनाई जाती है, शायद अपने मेंटल एबिलिटी में भी सेक्शन ऑफ मिरर इमेज पढ़ा होगा. सो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. आइए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं प्लेन मिरर की. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे फील्ड ऑफ व्यू की. नाम से ये समझ में आ रहा है कि फील्ड ऑफ व्यू मतलब ऐसा फील्ड जहाँ से किसी चीज़ को देखा जा सकता है, व्यू किया जा सकता है. एक सिंपल सा केस आपके सामने, एक प्लेन मिरर है ए बी, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट एक्सो रखा हुआ है. एक्सो से जो भी लाइट रेज इस मिरर पे जाएंगी, हमने एजेस की लाइट रेज को लिया है, तो जिस एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे लाइट रे हम ये देख रहे हैं रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ पे भी जिस एंगल पे लाइट रे आ रही है उसी एंगल पे लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है. सो ये एक्सट्रीम रेज हैं, यानी इसके बीच में जितनी भी लाइट रेज होंगी वो इसी रीजन में एग्जिस्ट करेंगी, और वो सारी लाइट रेज इस पॉइंट एक्स आई से आती हुई अपियर होंगी, या ये कह सकते हैं दिस वुड बी द वर्चुअल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सो इन दिस सिचुएशन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, सो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, से दिस इज एन ऑब्जर्वर्स आई ओ वन, ये आई है किसी ऑब्जर्वर की, और यहाँ से ऑब्जर्वर इस सिस्टम को देख रहा है, तो उसे एक्सो दिखाई देगा क्योंकि इससे लाइट रेज आई में जाएंगी, लेकिन इस एक्सआई से आने वाली कोई भी लाइट रे नहीं जाएगी. तो ये अगर मिरर की तरफ देखेगा भी तो इसको ये एक्सआई दिखाई नहीं देगा, या इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई नहीं देगी. अब पूछा जाए कि कौन सा वो रीजन होगा जहाँ से देखने पे ये वाली इमेज दिखाई देगी, तो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड जब आई में लाइट रेज जाएंगी तो ही वो आई इमेज को देख पाएगी. तो इस रीजन में अगर कोई ऑब्जर्वर है, सो इफ दिस एन ऑब्जर्वर ओ टू, सो अगर ये इन दोनों लाइट रेज के बीच में है तो ऑब्वियसली इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली ये वाली लाइट रेज आईज में जा रही हैं, तो ये वाली लाइट रेज इस एक्स आई से आती हुई अपीयर होंगी, तो इस ऑब्जर्वर को वो इमेज दिखाई देगी लेकिन इसको दिखाई नहीं देगी. अब हम ये कह सकते हैं कि इस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू होगा ये वाला रीजन, इन दोनों लाइट रेज के बीच का रीजन. अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर लोकेटेड है तो उसे ये इमेज दिखेगी, बाकी इमेज कहीं और से दिखाई नहीं देगी. इस ऑब्जर्वर को क्यों दिखाई नहीं दे रही, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस आई को इस मिरर के कॉर्नर से जोड़ के एक्सटेंड कर दें, तो आप देखिए ये वाला जो रीजन नया निकल के आ रहा है, ये मैं एडिशनल शेडिंग कर रहा हूँ. आप देखिए ओवरलैपिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो एडिशनल शेडिंग दिखाई दे रही है इसे मैं ये कह सकता हूँ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर ओ वन. ये ओ वन ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू है कि इस रीजन में जो कुछ भी रखा होगा वो रीजन की सारी चीज़ें इस ऑब्जर्वर को दिखाई देंगी. यानी अगर यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट होता और इसकी इमेज यहाँ बन रही होती तो वो इस ऑब्जर्वर को दिखाई देती. इसको ये इमेज इसलिए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये इमेज ऑब्जर्वर के फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है. इस ऑब्जर्वर का अगर आप फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे, यानी आई को इन दोनों से ज्वाइन करेंगे, तो ये इमेज इसके फील्ड ऑफ व्यू में आएगी, इसलिए दिखाई दे रही है. सो माय डियर स्टूडेंट, आप बात को समझिए, ये वाला जो रीजन है इसको हम कहेंगे फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज एक्स आई. यानी यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में हमने बात करी, एक तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज और दूसरी बात करी फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर को इमेज तभी दिखाई देगी जब या तो इमेज ऑब्जर्वर के फील्ड ऑफ व्यू में हो या ऑब्जर्वर इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में हो, और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट आउट हो रही है तो दूसरी अपने आप होगी. आप किसी भी एक कंडीशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं हुई हो, क्लियर अगर नहीं हुई है तो आप इस वीडियो को रिव्यू करके रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं. बट आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं आपकी, और इस चीज़ को अच्छी तरह से दिमाग में लेके चलें, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार कन्फ्यूजिंग आ जाते हैं. जनरली जेई मेन या नीट में फील्ड ऑफ व्यू के बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, जेई एडवांस में व्यू बेस्ड क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज क्या होता है और फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर क्या होता है. ऑब्जर्वर को इमेज तभी दिखेगी जब इमेज उसके फील्ड ऑफ व्यू में होगी, या आप ये कह सकते हैं इमेज को ऑब्जर्वर तभी देख सकता है जब ऑब्जर्वर आई इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में. आइदर ऑफ द टू थिंग्स इट इज वन एंड सेम. तो इस चीज को ध्यान में लेके आगे चलेंगे. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. पोजी प्लीज क्लियर करो.
थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन बाय इंक्लाइन मिरर. अगर हम बात करें दो इंक्लाइन मिरर हैं, इनके बीच का एंगल हमारे पास थीटा दिया हुआ है और इनके बीच में कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कई कंडीशंस बनती हैं. हमें अभी टू द पॉइंट बात करनी है जेई मेन या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन से मिरर M1 M2 दोनों में इमेजेस बनेंगी. यानी ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है तो x डिस्टेंस पे ही O1 की इमेज बनेगी जिसको हम I1 लिख सकते हैं, और मिरर M2 में इमेज बनेगी जिसे हम I2 लिख सकते हैं. ये डिस्टेंस y है तो y डिस्टेंस पीछे बनेगी, जहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट इस मिरर पे जाती है वो अब यहाँ से आती हुई अपीयर होती है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर फिर इस पे गिरेगी. यानी इस मिरर के लिए इमेज I2 एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसी तरह से I1 भी इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो हम ये कह सकते हैं जितना इस मिरर से ऊपर I2 है उतना ही पीछे यहाँ पे इसमें I2 डैश एक इमेज बनेगी जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट को डिपिक्ट करेगी. इसी तरह से I1 भी ये जितना इससे आ गया उतना पीछे यहाँ पे I1 डैश इमेज बनेगी, और बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्शन से जब तक ये लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई बाहर नहीं चले जाती, यानी इस मिरर M1 की लाइन की पैरेलल लाइन के ऊपर नहीं निकल जाती और यहाँ से नीचे से निकलने वाली लाइन M2 की पैरेलल लाइन के पीछे नहीं चली जाती, तब तक बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे. एडवांस लेवल पे ज़रूरत पड़ेगी कि कई रिफ्लेक्शंस को आप काउंट करें, लेकिन जेई मेन या नीट लेवल पे सिर्फ बेसिक पॉइंट ज़रूरी है समझना कि बाई सिमिलर ट्राइंगल्स हम ये कह सकते हैं कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर्स अगर एक सेंटर लेके सर्किल बनाया जाए तो अलॉन्ग विद ऑब्जेक्ट ये सारी इमेजेस एक सर्किल पे लाई करती हैं. दैट इज़ वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. ऑल मल्टीपल इमेजेस lie on a circle with intersection point of mirror as center of circle. अब number of images की बात की जाए तो एक relation आप ध्यान में रखिए. If 180 by theta belongs to a set of integer, यानी अगर ये theta 180 को wholly divide कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं then number of images in this case will be obtained as n is equals to 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस वन. या माइनस वन हमने इसलिए करा क्योंकि सर्कल के 360 डिग्री पे थीटा को डिवाइड करेंगे टोटल इमेजेस आएंगी, बट इसके बिल्कुल पीछे जो लास्ट में एक इमेज होगी वो इधर से बनने वाली और इधर से बनने वाली ओवरलैप होगी, तो एक इमेज कम होगी. दैट्स वाई वी हैव रिटन 360 बाई थीटा माइनस वन. ये चीज़ ध्यान रखेंगे. अगर ये होली डिवाइड नहीं कर रहा है तो कई तरह के केसेस बनते हैं इमेजेस की, डायरेक्ट काउंटिंग किसी फॉर्मूले से नहीं की जा सकती. अगर कहीं आपको फॉर्मूला मिलता भी है तो आप ये मान के चलिए डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो नंबर ऑफ इमेजेस किसी फॉर्मूले से नहीं निकलेंगी, क्योंकि फिर इमेजेस जो यहाँ पे ओवरलैप है 360 बाय थीटा में माइनस वन जो किया है वो ओवरलैप इस तरफ भी ओपन हो सकती हैं, दूसरी तरफ भी ओपन कर सकती हैं. तो जैसे ही एंगल 180 बाय थीटा अगर होली डिविजिबल नहीं है तो जैसे ही एंगल थोड़ा सा चेंज होगा तो इमेजेस दो इंक्रीज होती हैं, और एक इस इंटरसेक्शन पॉइंट को प्लेन मिरर मान के भी एक फेंट इमेज बनती है, वो भी काउंट होती है. सो उतना डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं. हम ये ध्यान रखें like if theta is equals to 60 degree, आप यहाँ पे 180 by theta यानी number of images आप ये कह सकते हैं 360 by 60 that will be 6 minus 1 number of images will be 5. मैं ये आपको basic knowledge के लिए बता रहा हूँ. अगर theta की value 59 degree या 61 डिग्री है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस 7 होती हैं. क्यों होती हैं? राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट. आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं, कई सारी एप्लेट्स अवेलेबल हैं जिससे ये नंबर ऑफ इमेजेस की कैलकुलेशन ज्योमेट्रिकली इसको किया जाता है, डायग्रामेटिकली इसे निकाला जाता है, और विद मैथमेटिकल थ्योरम से कैलकुलेशन की जाती है. आप देख सकते हैं, लेकिन किसी फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज ना करें. फॉर्मूले कई बार सिमेट्रिकल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए निकलते हैं, वो हर बार सही रिजल्ट नहीं देते. सो यू नीड टू बी केयरफुल कि सारी इमेजेस सर्किल पे होंगी, एंड दिस द वे हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन इट. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज मिरर. ऑब्जेक्ट रोटेट होगा तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, और मिरर रोटेट होगा तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा. आइए देखते हैं. यहाँ पे दो केसेस हैं हमारे पास. पहला केस, मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पीछे यहाँ पे इमेज भी फॉर्म होगी. अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसी सेंटर के अबाउट, मान लीजिए यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देता हूँ, तो आप ये कह सकते हैं सेंटर की इमेज यहाँ पे होगी कहीं पे सी डैश,
और उसी डायरेक्शन में लेटरल इन्वर्जन के साथ इमेज भी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगी क्योंकि लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है. सो पहली चीज़ आप ये देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो इमेज भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी, यानी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ थीटा एंगल रोटेट हुआ है तो इमेज भी यहाँ पे थीटा एंगल ही रोटेट होगी, बट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट. सो हम यहाँ कह सकते हैं एंगुलर स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन कुछ भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमने सर्कुलेशन लिया है. अगर मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी होती है, एक सिलेंडर होता और ये सिलेंडर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता तो जो इस सिलेंडर की यहाँ पे इमेज होती इन दिस सिचुएशन, वो वाली इमेज बिल्कुल अपोजिट रोटेट हो रही होती. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा. सो आप ये कह सकते हैं इमेज का रोटेशन ऑब्जेक्ट के अपोजिट होता है लेकिन एंगुलर स्पीड बराबर होती है क्योंकि जितना एंगल ये घूमेगा उतना ही एंगल ये घूमेगा. दैट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. सेकंड केस अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे सामने है तो इस ऑब्जेक्ट से पीछे यहाँ पे इमेज बनेगी. लेकिन अब अगर हम मिरर को टिल्ट करें थीटा एंगल से, आप देखिए क्या होगा. ये चीज़ भी शायद थ्योरी में आपने पढ़ी होगी कि अगर हम मिरर को यहाँ पे टिल्ट कर देते हैं बाय एन एंगल थीटा, सो इन द सिचुएशन इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे आ जाती है क्योंकि ऑब्जेक्ट अब अगर यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे था और इमेज भी एक्स थी और अब ये वाई डिस्टेंस पे, तो इमेज भी यहाँ से वाई डिस्टेंस पे आ जाएगी. नाउ इन द सिचुएशन जो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आएगा आपके सामने वो ये आएगा कि इस पॉइंट के कंपैरिजन में अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो सर्टनली ये अभी भी एक्स ही रहेगा और इमेज यहाँ से क्या होगी, ये टू थीटा एंगल रोटेट होगी. अगर आप डेरिवेशन देखना चाहें कॉन्सेप्ट वीडियो में दिया हुआ है, बट ये बात आपको टिप्स पे याद रखनी है कि अगर मिरर थीटा एंगल से रोटेट होता है क्लॉकवाइज तो इमेज भी क्लॉकवाइज ही रोटेट होगी लेकिन इसका एंगल जो होगा वो डबल होगा. यानी यहाँ पे अगर मिरर ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है तो इमेज यहाँ पे टू ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमेगी और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इमेज वही होगी जिस डायरेक्शन में मिरर रोटेट हो रहा है. आप देख सकते हैं मिरर क्लॉकवाइज घूमा है तो इमेज भी क्लॉकवाइज घूमी है, बट इमेज की जो रोटेशन स्पीड होगी वो डबल दैट ऑफ मिरर होगी. दैट यू नीड टू बी केयरफुल. आप रोटेशन कहें, सर्कुलेशन कहें, रेवोल्यूशन कहें, इट इज़ जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपको बिल्डअप करके चलना है. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. कुछ चीज़ें हम एनिमेटेड फॉर्म में भी बहुत जल्दी कुछ वीडियोज़ रिलीज़ करेंगे सो दैट स्टूडेंट्स विल गेन बेनिफिट फ्रॉम द एनिमेशन वीडियोज़. आप अगर ये एनिमेशन वीडियोज़ देखना चाहते हैं पेशेंटली तो आपको ऑलरेडी पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो में सारी चीज़ें एनिमेटेड फॉर्म में दी गई हैं. जैसे मैंने जो फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट समझाया था, कई बार कंफ्यूजिंग लगता है, सो फील्ड ऑफ व्यू को एक एनिमेशन की फॉर्म में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया. तो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए टाइम है तो आप देखिए, जिनके अभी रिसेंट एग्जाम्स आ रहे हैं वो टू द पॉइंट चेकलिस्ट फॉर्म में रिवाइज करते रहें. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. पोजी प्लीज क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. इन दिस पॉइंट यहाँ पे हम दो केसेस डिस्कस करेंगे, एक वो जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इमेज वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है और एक जब मिरर मूव करता है तो इमेज वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है. सो देखते हैं फर्स्ट केस में बेसिक पॉइंट वही है जो हमने डिस्कस किया कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है तो सेम डिस्टेंस पे इमेज प्रोड्यूस हो रही है. यहाँ पे दो केसेस लेंगे. अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी वाई, सो ऑब्वियसली इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे सेम वेलोसिटी से चलेगी वी वाई, यानी इमेज वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर वही होगी जो ऑब्जेक्ट की है. और साथ में अगर ऑब्जेक्ट में कोई एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी यानी मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है सो इमेज वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी अकॉर्डिंग टू लेटरल इन्वर्जन. सेम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान रखना है. सो वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो इमेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के अपोजिट होगी और पैरेलल टू मिरर अगर हम बात करें यानी वाई डायरेक्शन में, सो इमेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के बराबर होगी और सेम डायरेक्शन में होगी. यहाँ पे आप ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन. या इसको अपोजिट फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट में मोशन है सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन वेक्टोरियली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन. Velocity of image in x direction
इज नेगेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन. ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब वेक्टोरियली टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशन वेलोसिटी होती है तो हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है दिमाग में रखना, क्योंकि मिरर के पैरेलल या परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए आप ध्यान रखेंगे मिरर यहाँ पर वाई डायरेक्शन में है. और अगर सेकेंड केस देखते हैं कि अगर मिरर मूव कर रहा है और मिरर अगर अपनी सरफेस के पैरेलल मूव कर रहा है यानी मिरर में कोई वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये आपको ध्यान रखना है, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन. और अगर मिरर में एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है वी एक्स, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वी एक्स से ऑब्जेक्ट की तरफ चलेगा तो इमेज उसी डायरेक्शन में चलेगी विद द वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ वी एक्स. डेरिवेशन कॉन्सेप्ट वीडियो में भी मिल जाएगा आपको, फिजिक्स गैलेक्सी बुक में भी वॉल्यूम 4 में ऑप्टिक्स के चैप्टर में स्टार्टिंग में ही जहाँ पे प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन समझाया गया डिटेल में एक्सप्लेन है. यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये डिस्टेंस एक्स कम होगी तो ये भी एक्स कम होगी, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 2x कम होगी. तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं इमेज की वेलोसिटी मिरर वेलोसिटी की डबल होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स डायरेक्शन. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और डायरेक्शन ऑफ इमेज मोशन सेम होगी, वेयर एज ड्यू टू ऑब्जेक्ट मोशन ये डायरेक्शन अपोजिट होती है. बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, बुक में भी दिए गए हैं आपको, फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियो में भी इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे और एडवांस इलस्ट्रेशन सेक्शन में भी मिल जाएंगे. यू कैन गो थ्रू द इलस्ट्रेशन. यहाँ कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट आपके रिवीजन के लिए, टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फीड कीजिए. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. पोजी प्लीज़ क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, एक बहुत ही कॉमन इलस्ट्रेशन है जिसको एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट हम दिमाग में रखें, क्योंकि इस पे बेस कई तरह की चीज़ें हमारे सामने आ जाते हैं. दैट इज़ अ मैन रिक्वायर्स हाफ साइज मिरर्स टू सी हिज फुल इमेज. ये आपने पढ़ा भी होगा कि किसी भी आदमी को अगर एक मिरर में अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिरर की जो साइज रिक्वायर्ड होती है वो खुद की मैन की हाइट से हाफ होती है. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसके पीछे कंडीशंस क्या क्या ज़रूरी है, ये हमेशा वैलिड नहीं है, और दूसरी चीज़ ऐसा क्यों होता है. सो आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन में. यहाँ पे एक मैन है, इसके सामने एक मिरर है, तो मिरर में मैन की एक पूरी इमेज पीछे बन रही है. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मिरर का साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, इमेज हमेशा कम्प्लीट बनती है. इमेज के साइज़ का इमेज से इमेज के साइज का मिरर के साइज़ से कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता. यानी यहाँ पे अगर इमेज पूरी है, अब हम बात करेंगे इस इमेज को पूरे को अगर ये मैन खुद देखना चाहता है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए. बेसिक कंडीशन होती है फील्ड ऑफ व्यू की, कि अगर इमेज दिखाई देनी है तो इमेज मैन के फील्ड ऑफ व्यू में होनी चाहिए. यानी अगर इस मैन को अपनी आई से इस पूरी इमेज को टॉप से बॉटम तक देखना है तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट, जो भी इसके बाल हैं या इसके शूज़ हैं, ये दोनों पॉइंट्स इसकी आइज़ को दिखाई देने चाहिए. यानी ये दोनों पॉइंट इसके फील्ड ऑफ व्यू में होने चाहिए. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस मैन का फील्ड ऑफ व्यू कितना होना चाहिए. किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा देखने के लिए आप मैन की आई से उस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिए सबसे पहले, और उसको एक्सटेंड करते जाइए. यानी ये जो भी रीजन बन रहा है, दिस हैज़ टू बी द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस मैंस आई, देन ओनली ही विल बी एबल टू सी द फुल इमेज. फील्ड ऑफ व्यू होने के लिए मिरर के कॉर्नर्स यहाँ तक एक्सटेंडेड होने चाहिए, पॉइंट ए और बी तक. यानी अगर इसके नीचे का मिरर हटा भी दिया जाए तो भी हम ये कह सकते हैं इस मिरर में इस मैन का या इस ऑब्जर्वर आई का ये फील्ड ऑफ व्यू होगा तो वो अपनी पूरी इमेज को देख पाएगा. यानी इस साइज का मिरर होना ज़रूरी है. अब आप डायरेक्टली कह सकते हैं ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो इस ट्रायंगल में अगर इस मैन की हाइट एच है तो इस मिरर की हाइट हैज़ टू बी एच बाई टू, क्योंकि ये मिरर एक ऐसी लाइन है जो इस ट्राइंगल की बेस के पैरेलल है और मिड एल्टीट्यूड के ऊपर ड्रॉ की गई है. सो डायरेक्टली ये प्रूव होता है कि मिरर का साइज हाफ ऑफ द मैन हाइट होना चाहिए. इसी तरह की कई कंडीशंस पॉसिबल हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में. सो अगर एक ऑब्जेक्ट हमें पूरा दिखाई देता है, पूरा देखना है, तो वो ऑब्जेक्ट आपके आई के फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए. एक और इलस्ट्रेशन मैं छोटा सा यहीं एक्सप्लेन करता हूँ. एक बार ऑलरेडी जेई में पूछा जा चुका है कि एक रूम है, रूम के बीच में देर इज़ अ मैन स्टैंडिंग मिडिल लेंथ के ऊपर. अगर एल इस रूम की लेंथ है तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके सामने वाली वॉल पे किस साइज़ का मिरर लगाया जाए कि इस मैन को इसकी पीछे वाली जो वॉल है एच हाइट की, इस वॉल की पूरी इमेज दिखाई दे. सो सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि ये वाली जो हाइट है
ये इमेज या ये एक्स वाई अगर एक वॉल है तो इसकी इमेज इस मिरर में कितना पीछे बनेगी. अगर ये एल डिस्टेंस इस रूम की लेंथ है तो यहाँ से एल डिस्टेंस ही पीछे हम ये कह सकते हैं कि ये वाले रूम की एक इमेज बनेगी जो होगी एक्स डैश वाई डैश. इसकी हाइट भी एच होगी. अब इस मैन को एक पूरी वॉल देखनी है तो इस वॉल के जो कॉर्नर्स होंगे उनको आई से ज्वाइन कर लीजिए. ये अगर मैन का फील्ड ऑफ व्यू है तो इसे इस वॉल की पूरी हाइट दिखाई दे जाएगी. दैट मींस मिरर का साइज यहाँ पे होना चाहिए ये पी क्यू, और अगर ये एल है ये वाली डिस्टेंस एल बाई टू है. तो ये आप देखिए जो मिरर की लेंथ है वो इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड को 1:3 में डिवाइड करे. दिस 3L/2 दिस L/2 तो ये एच है तो इट हैज़ टू बी H/3. डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाता है बाय यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स. सो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है इन चीज़ों को. अगर आप दिमाग में फिट कर सकते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत कंफर्टेबली हर तरह के केसेस हेल्प करने में सॉल्व करने में हेल्प करेगी. आइए देखते हैं कुछ और चीज़ों पर नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ. पोजी प्लीज़ क्लियर करो. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर जो आप ग्रेड 9 या 10 से पढ़ते आ रहे हैं. दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है क्योंकि इस पर जब भी कोई पैरेलल लाइट आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होती है. कॉन्वेक्स मिरर पे कोई पैरेलल लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज होती है. लेकिन स्टूडेंट्स कहीं पे भी ये कंफ्यूज ना हो कि कॉनकेव मिरर कभी लाइट रेज को डाइवर्ज नहीं कर सकता या कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज नहीं कर सकता, दोनों कर सकते हैं. इट इज़ द नेम विच इज गिवन फॉर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर इन रेस्पेक्ट ऑफ पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन दम. जब पैरेलल रेज गिरती हैं तो कॉन्केव मिरर कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है, तो इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं. और इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं. तो बस ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव का जो नाम डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दिया गया है ये दिया गया है फॉर पैरेलल रेज. यहाँ पे भी फॉर पैरेलल रेज ही ये नाम दिए गए हैं. सो एक जनरल ट्रेडिशन है, जनरल कन्वेंशन है जो यूज़ किया जाता है. अब बेसिक रेज के बारे में बात करते हैं. हमने दो तरह की रेज की बात करी थी. रे ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज. मार्जिनल रेज के बारे में आगे बताता हूँ. बट पैरेक्सियल रेज जब इंसिडेंट होती हैं तो इन केस ऑफ कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर जो भी लाइट रे आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होगी, इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट. इन केस ऑफ डाइवर्जिंग या कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होते हैं, इसमें आगे होते हैं. कोई भी लाइट रे सेंटर से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस सेंटर से चली जाती है. ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जब कभी भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक ऑब्जेक्ट की इमेज वापस ऑब्जेक्ट पे ही बन रही है. इसका मतलब जो लाइट रेज मिरर पे जा रही हैं वो अपने पाथ को रीट्रेस कर रही हैं. कॉन्सेप्ट हम आगे और इलस्ट्रेशन फॉर्मेट में देखेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप एज ए चेकलिस्ट दिमाग में रखें. जब भी कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ वहाँ पे ये केस जरूर काम आएगा कि लाइट रेज आर फॉलिंग ऑन द मिरर नॉर्मली ताकि वो अपनी पाथ को रीट्रेस कर पाए. और अगर कोई लाइट रे फोकस पॉइंट की तरफ जा रही है, फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है. ध्यान रखें एक और रे है जो दोनों केस में ली जा सकती है कि अगर कोई भी लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है तो पोल पे ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करता है. थीटा एंगल पे लाइट आई है तो वो थीटा पे ही चली जाएगी. किसी भी केस में आप देख लीजिए चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, सिर्फ ये एक लाइट रे ऐसी है जो कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों में सेम बिहेवियर रखती है. दिस इज द पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड. सो बेसिक पॉइंट है कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के फंडामेंटल्स के साथ. आगे बढ़ते हैं कुछ और केसेस लेते हैं. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट एक केस डिस्कस करते हैं, दैट इज फोकल पॉइंट ऑफ अ मिरर इन केस ऑफ मार्जिनल रेज. यहाँ पे मार्जिनल रेज की हम बात कर रहे हैं, यानी एक लाइट रे एच हाइट पे प्रिंसिपल एक्सिस से इस कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट होती है. हम ये देखते हैं कि व्हाट हैपेंस टू दिस लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन. अगर ये एक नॉर्मल है जो सेंटर से पास हो रहा है और ये लाइट रे यहाँ से अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा एंगल पे ही पास होगी, सो दिस शुड बी द फोकल पॉइंट फॉर मिरर
विद रिस्पेक्ट टू दिस रे, जो रे थीटा एंगल पे नॉर्मल से इंसिडेंट हुई, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, यानी ये जो एफ सी और ये पॉइंट आप कुछ भी मिरर के ऊपर ले लीजिए बी, सो आप ये कह सकते हैं कि बी सी एफ ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल होगा. सो इन दैट केस अगर ये वाली डिस्टेंस मैं एक्स ले लेता हूँ तो ये भी एक्स होगी, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बी सी है विच इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे लिख सकते हैं आर का वैल्यू होगा 2x cos थीटा. सो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास आता है r बाई 2 cos थीटा. सो अगर हमारे पास x आ गया है तो ये जो डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ है, आप देखिए फोकल लेंथ का वैल्यू आएगा दिस r माइनस x विच इज r माइनस r बाई 2 cos थीटा, दिस द वैल्यू वी आर गेटिंग. सो ये हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकल के आती है इन केस अगर कोई लाइट रे नॉर्मल से या रेडियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे इंसिडेंट होती है तो. अब अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर पैरेक्सियल रेज, सो हम ये बात कर चुके हैं कि पैरेक्सियल रेज के केस में थीटा इज टेंडिंग टू ज़ीरो, नेग्लेजिबली स्मॉल होता है थीटा. जब थीटा बहुत स्मॉल होगा तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू टेंडिंग टू यूनिटी होगी, कॉस थीटा विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1. सो यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी आर माइनस आर बाई 2, यानी आर बाई 2 जो आप लोगों ने पढ़ा है. और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यही केस हम कंसिडर करके चलेंगे कि जो पैरेक्सियल रेज हैं उनके लिए एक मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़. सो आप इस चीज़ का बहुत केयरफुली ध्यान रखें. अगर मार्जिनल रेज आती हैं तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से सॉल्व करना है या आप फोकल लेंथ का ये रिलेशन फॉर दैट स्पेसिफिक रे ले सकते हैं. लेकिन अगर बड़ी बीम आती है तो एक पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग थीटा के लिए फोकल पॉइंट के नियर बाई कई पॉइंट्स होंगे जहां पे लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेंगी, यानी वो पॉइंट शार्प पॉइंट ना होके डिफ्यूज पॉइंट होगा. सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. सेम चीज आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए खुद एनालाइज कर सकते हैं और रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं कि थीटा लेस देन टेंडिंग टू जीरो या वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी लेस वैल्यू के ऊपर आप देखेंगे तो फोकल लेंथ आर बाई 2 निकल के आ जाएगी, जैसे हमने यहां पे किया है. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट यहाँ पे हम रिलेटिव इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कि अगर एक कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से उसकी इमेज कहाँ बनेगी. ये केसेस भी सारे आपने ग्रेड 9 या 10th में करे हैं, साथ ही ग्रेड 12 के अंदर दोबारा से करे हैं. मैं क्विकली रिव्यू लूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और एग्जामिनेशन में बहुत ईजी और फंडामेंटल क्वेश्चन जब इसी रिलेटिव पोजिशन के ऊपर आते हैं तो कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं करता, क्योंकि हमें लगता है हमें सब आता है और एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती. तो केयरफुल जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू फॉर 2-3 मिनट्स. जब हम किसी कॉनकेव मिरर की बात करें और लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, यानी पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो पैरेलल लाइट रेज का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो पैरेलल रेज आती हैं, यहाँ पे इमेज बनती है एट फोकल प्लेन. ये फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और फोकल पॉइंट एफ से पास होता है. अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो इमेज फोकल पॉइंट पे बनेंगी, अगर किसी और डायरेक्शन से आ रही हैं तो ये पॉइंट ऊपर या नीचे होगा लेकिन रहेगा फोकल प्लेन में, कंसिडरिंग पैरेक्सियल रेज. सेकेंड केस हम लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आप देखिए हमने कोई भी दो लाइट रेज ले रही, क्योंकि दो पैरेक्सियल डिफाइंड लाइट रेज जहाँ पे इमेज बनाएंगी यानी रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ऑल इनफाइनाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट इफ कंसिडर्ड पैरेक्सियल उसी पॉइंट पे इमेज बनाती है, तो मिनिमम दो रेज की ही जरूरत होती है इमेज बनाने के लिए. लाइट रेज की फाइनल इमेज फॉर्मेशन होती है एफ और सी के बीच में. एफ इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड C. ये सारी रियल इमेजेस हैं क्योंकि कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं. पहले भी हम बात कर चुके हैं अगर कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो इमेज रियल होगी, और साइज आप देखें तो हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इन केस ऑफ पॉइंट इमेज, यहाँ पे इमेज इज पॉइंट साइज्ड, आप ये कह सकते हैं इमेज का साइज बहुत छोटा होगा कंपेयर टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज वेरी फार कंसिडर टू बी लार्ज. थर्ड केस में अगर ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज विल ऑल्सो बी एट सी एंड द सेम साइज्ड, उसी जगह बनती है लेकिन इन्वर्टेड बनती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज,
हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इरेक्टेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट में अलग से आपको नोट लिखवा दूंगा, वो चीज़ भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केस फोर आप देखें, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी और एनलार्ज्ड इन साइज होगी ये, और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है तो इट इज़ इन्वर्टेड, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड फॉर्मेशन होगा। केस फाइव में हमने लिया ऑब्जेक्ट एट एफ, तो इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड एट इन्फिनिटी, जस्ट फर्स्ट केस का अपोजिट है, ऑब्जेक्ट हमने फोकल प्लेन में रखा हुआ है यहाँ पे एट एफ, ये भी कह सकते हैं, और इन एफ प्लेन, यानी फोकल प्लेन में अगर ऑब्जेक्ट है, सो इन दैट सिचुएशन हम ये ले सकते हैं कि इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड एट इन्फिनिटी। केस सिक्स में ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, सो इमेज वर्चुअल प्रोड्यूस होगी और एनलार्ज्ड प्रोड्यूस होगी, और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज आप देखिए इरेक्टेड होगी। अलग से यहाँ पे मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा आप इस पॉइंट को नोट कर लें इन दिस 12th पॉइंट ओनली, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थ्रू आउट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये पॉइंट वैलिड है नॉट ओनली फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेदर इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये चीज़ वैलिड रहेगी कि अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी या प्रिंसिपल एक्सिस के ऑपोजिट साइड होगी, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड बनेगी। साथ ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर सेम है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑपोजिट साइड बनती हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर अपोजिट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड बनती हैं, इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, दैट इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ, पोजी प्लीज़ क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट्स, हम सिमिलर कॉन्सेप्ट बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और रिलेटिव पोजीशन जैसे हमने कॉनकेव मिरर की बात करी थी वही दोबारा बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो केसेस हैं कंपेयर टू दी सिक्स केसेस जो हमने पढ़े थे कॉनकेव मिरर के लिए। केस वन एक नॉर्मल केस है जिसमें हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है, हमने दो रेज ली, एक जो पोल पे इंसिडेंट हुई तो वो जितने एंगल पे आई उतनी एंगल पे जाएगी, और दूसरी जो पैरेलल लाइट रे वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि वो फोकस से पास होती हुई अपीयर हो, तो ये वाली दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं RR1 और RR2 ये डाइवर्जिंग रेज हैं, यानी एक पॉइंट पे मिलेंगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और हमेशा फॉर ऑल केसेस जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये होगा बिटवीन पोल एंड फोकस, ये अगर पोल है और ये फोकल पॉइंट है इनके बीच में होगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाते हैं और क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते, पता चलता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जिससे हम ज्योमेट्री से या बेसिक इन्फॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते थे, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर दीज रिलेटिव पोजिशन। मैं दोबारा से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड केस, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी, आप देखें जो लाइट रे सेंटर की तरफ है वो एज इट इज़ जा रही है, जो पोल पे आई है वो उसी एंगल पे थीटा एंगल पे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी कि पॉइंट इमेज प्रोड्यूस होगी और फोकल प्लेन में होगी। अगर ये सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती तो भी ये लाइट रेज डाइवर्ज होती, लेकिन वो इस फोकल पॉइंट पे इमेज बनाती। मैंने जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट जो मैंने कॉनकेव मिरर में समझाया था अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी एंगल पे ली है सारी पैरेलल रेज ताकि हम ये देख सकें कि इमेज जो है फोकल प्लेन में बनती है, दिस द फोकल प्लेन, और अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं तो वर्चुअल इमेज या पॉइंट इमेज फोकल पॉइंट पे ऑन प्रिंसिपल एक्सिस मिल सकती है, तो जस्ट बी केयरफुल। आगे हम बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ, जहां पे हम इमेज के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पोजी प्लीज़ क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, यहाँ पे इस पॉइंट में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, या ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स जितने भी क्वेश्चन जेई में नीट जेई एडवांस में पूछे जाते हैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर बेस्ड, वो सारे एक फार्मूला पे पूछे जाते हैं, दैट इज मिरर फार्मूला। सो मिरर फार्मूला से हम निकाल सकते हैं इमेज पैरामीटर्स
विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई अ स्फेरिकल मिरर. चार पैरामीटर्स होते हैं किसी भी केस में जो सबसे ज़्यादा काम के होते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट और एक मिरर गिवन होता है और हमें इमेज को डिस्टेंस निकालनी है, इमेज की नेचर निकालनी है, साइज निकालना है, ओरिएंटेशन निकालना है. ये चार पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसकी कैलकुलेशन की जाती है. जब हम इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन और नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ों की कैलकुलेशन की जाती है डायरेक्ट मिरर फार्मूला से. मिरर फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इसे हम वापस से यहाँ पे लिख सकते हैं. दिस 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी. स्टैंडर्ड कन्वेंशंस हैं, एफ इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यू इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, वी इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज प्रोड्यूस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर. बट ये फार्मूला वैलिड है ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, ये आप ध्यान रखिएगा. और अगर हम इमेज की साइज और ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो ये चीज़ निकाली जाती है मैग्निफिकेशन से, जिसे हम मैग्निफिकेशन फार्मूला भी कहते हैं. मैग्निफिकेशन फार्मूला इज़ अ डायरेक्ट फार्मूला विच इज़ गिवन एज एम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बाई यू. कई बुक्स में आपको मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा, प्लस या माइनस साइन के साथ मिलेगा. आप प्लस या माइनस साइन भी ले सकते हैं, क्योंकि जो साइन यहाँ पे लिया जाता है वो साइन का सिग्निफिकेंस होता है. हम इमेज का ओरिएंटेशन निकालें. मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी बताऊंगा जिसमें आपको कभी साइन का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ओरिएंटेशन डायरेक्टली जज कर सकते हैं. जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताई थी, अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी. रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है तो इमेज कैसी होगी, तो वो इरेक्टेड होगी. सो यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन के साइन का कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है. आप डायरेक्टली एम इक्वल्स टू वी बाई यू से मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें. मैग्निफिकेशन का सिग्निफिकेंस होता है आप डायरेक्ट हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए मैग्निफिकेशन से, यू आर डायरेक्टली गोइंग टू गेट हाइट ऑफ इमेज. और मिरर फार्मूला आप यूज़ कीजिए जिसमें आप यू और एफ का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ से आपके पास वी की वैल्यू निकल के आएगी. लेकिन यहाँ पे साइन का बहुत केयरफुली ध्यान रखना ज़रूरी है. अब कई स्टूडेंट साइन कन्वेंशन में कन्फ्यूज होते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेई मेन का हो, चाहे जेई एडवांस का हो, मैं एक डायरेक्ट साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा. अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड कन्वेंशन पे जाएंगे उसमें भी कन्फ्यूजन नहीं है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लीजिए और उसके अपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव लीजिए. उससे भी कम्फर्टेबल कन्वेंशन एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको अपनी प्रोसेस शो नहीं करनी है. दैट इज अ बेसिक कोऑर्डिनेट कन्वेंशन कि अगर ये आपकी पोल ऑफ डिवाइस है तो पोल ऑफ डिवाइस को आप कंसीडर कीजिए ओरिजिन, एक्स वाई एक्सिस को डायरेक्टली, जैसा हमारा कन्वेंशन है, हैबिट है लेने की, पोल के राइट की सारी डिस्टेंसेस को आप पॉजिटिव लीजिए, पोल के लेफ्ट की डिस्टेंसेस को आप नेगेटिव लीजिए. देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड. जो हमारा जनरल कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंसिडरेशन है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेके चलते हैं. पोल के राइट में मेज़र की गई डिस्टेंसेस सारी आपको पॉजिटिव लेनी है, पोल के लेफ्ट में मेज़र की गई डिस्टेंसेस नेगेटिव लेनी है. यहाँ सब्सटीट्यूट करना है डायरेक्टली, जो भी रिजल्ट आएगा इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको फाइनल इमेज की लोकेशन मिल जाएगी. नेचर की अगर आप बात करना चाहते हैं, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो वो इमेज कंसिडर की जाएगी एज रियल, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो इमेज कंसिडर की जाएगी वर्चुअल, दैट्स इट. इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये चारों पैरामीटर आपके समझ में आ गए हैं सो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा. हर क्वेश्चन में चारों पैरामीटर से रिलेटेड रिजल्ट्स बिल्कुल 110% एक्यूरेट मिलेंगे आपको. आप अगर एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो में इसी कन्वेंशन को यूज़ करके मैंने एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हैं. एडवांस केसेस देखना चाहें, एडवांस इलस्ट्रेशन सेक्शन में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हुए हैं इसी कन्वेंशन से. आप देखेंगे लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस बिना किसी कन्फ्यूजन, बिना साइन कन्वेंशन के कन्फ्यूजन के डायरेक्टली हिट करके रिजल्ट अटेन कर सकते हैं. सो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे मैं क्योंकि चेकलिस्ट के पॉइंट्स क्विकली कवर कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन मैं नहीं लूँगा. इलस्ट्रेशन के लिए आप फिजिक्स गैलेक्सी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वॉल्यूम 4 बुक के अंदर है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन
एग्जांपल्स वहां पे दिए गए हैं, बहुत सारे सॉल्ड एग्जांपल्स हैं, सभी एमसीक्यू कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल एमसीक्यूज, मोर देन वन चॉइस करेक्ट एमसीक्यूज के अलग-अलग एक्सरसाइजेस हैं, जिन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी डिटेल में दिए गए हैं, आप सारे एक्सरसाइजेस रेफर भी कर सकते हैं एंड यू कैन फर्दर प्रोसीड फॉर योर एनॉर्मस प्रैक्टिस लेवल, ताकि आप फाइनल एग्जाम में कहीं पे कोई बेवकूफी से गलती ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं, इस चेकलिस्ट को कंक्लूड करेंगे। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक बार क्विकली वापस से देख लेते हैं, जो हमने अभी मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि साइंस को यूज़ करके आप सब्सटीट्यूट करें फार्मूले में, यू और एफ की वैल्यू आपके पास वी आ जाएगी। कई बार इमेज गिवन होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और साइज के लिए हम मैग्निफिकेशन फार्मूला यूज़ करते हैं। इन्हीं फार्मूलों को रीअरेंज करके याद करना भी कई बार बहुत बेनिफिशियल होता है, टाइम सेविंग होता है। लाइक आपके पास 1/f = 1/u + 1/v रिलेशन है, इसी को रीअरेंज कर लीजिए, फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी uv/u + v, यहाँ से v का वैल्यू आ जाता है uf/u - f, साथ ही यहाँ से u निकालना चाहें वैल्यू आती है vf/v - f। सो सिर्फ रीअरेंज्ड रिलेशन टिप्स में है, तो एग्जाम में आप हर क्वेश्चन में 8 से 10 सेकंड कैलकुलेशन के बचा सकते हैं, सो डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करें। इस तरह मैग्निफिकेशन फार्मूला v/u या -v/u अगर आपकी हैबिट में है, जिन स्टूडेंट ने बोर्ड एग्जाम दिए हैं अभी NCERT फॉलो करिए, तो साइन कन्वेंशन पर मैं फोर्स नहीं दूंगा, मैंने एक कोऑर्डिनेट कन्वेंशन बताया जो बहुत सिंपल है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप जिस कन्वेंशन में कंफर्टेबल हैं, आपको जो पढ़ाया गया है, कई तरह के 3 या 4 कन्वेंशंस होते हैं, आप जो चाहें वो यूज करें। रिलेशन यहां अगर -v/u ले रहे हैं तो इसी चीज को रीअरेंज कर सकते हैं, v का वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सो द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट इज f/u - f, माइनस साइन इट इज ऑप्शनल फॉर यू, क्योंकि माइनस साइन यहाँ सिर्फ ओरिएंटेशन बताने के लिए, जैसा भी बताया गया था, जो आप नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज की सिमिलरिटी या अपोजिट नेचर से भी जज कर सकते हैं। और अगर इन टर्म्स ऑफ वी देखना है तो यहाँ पे यू को आप डाल दीजिए vf/v - f, तो दिस गिव्स यू v - f/f। सो ये रिलेशन टिप्स पे रखें, आपकी कैलकुलेशन में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस में अगर ये रिलेशन याद हैं तो डायरेक्ट स्ट्राइक होता है कि यू कैन सॉल्व इट विद इन कपल ऑफ सेकंड्स रादर देन स्पेंडिंग मिनट्स ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, इट इज़ जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन पॉइंट जो मैं चाहूँगा कि आप याद रखें। पोजी प्लीज़ क्लियर करो। थैंक यू भोजी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी तक जो हमने मैग्निफिकेशन की बात करी थी वो था लेटरल मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो हम बात कर रहे थे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने ली थी, जो एरो से डिनोट करे थे। यहाँ पे अब हम देखें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो लेटा हुआ है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। अगर ये u डिस्टेंस पे है तो इसकी इमेज v डिस्टेंस पे बनेगी, और u और v को हम रिलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे जो विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट है इट इज़ वेरी वेरी लेस कम्पेयर टू यू, यानी बहुत छोटी साइज का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की अगर हमारे पास एक इमेज बन रही है और हमें ये चेक करना है कि उस छोटी साइज के ऑब्जेक्ट का ही अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जो लेंथ है वो कितना चेंज हुआ, इसे डिनोट किया जाता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को दिया जाता है, दिस इज रिटर्न एज ml, और इसकी वैल्यू होती है v² / u². मैग्नीट्यूड के ही बारे में बात करेंगे, जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके रेशियो का स्क्वायर, यानी इसे आप लिख सकते हैं m² से, वेयर m इज दी लेटरल मैग्निफिकेशन। सो यहाँ पे हम विड्थ की बात करेंगे, तो विड्थ ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जब बात होगी, ये होगी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन टाइम्स विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट विड्थ को अगर m² यानी लेटरल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, यू आर गोइंग टू गेट दी विड्थ ऑफ इमेज। सो जस्ट बी केयरफुल फॉर ऑल सच केसेस। इसकी कैलकुलेशन या डेरिवेशन के लिए आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख सकते हैं, फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 4 में देख सकते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस है। जो हमारा मिरर फार्मूला है उसको डिफ्रेंशिएट करके हम एनालाइज कर सकते हैं। एक चीज और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज इतना छोटा ना होके बड़ा होता तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं था। अब ध्यान में रखें, ये जो रिलेशन है दिस वैलिड ओनली फॉर
very small sized objects. This is valid only for very small size objects. इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है. अगर ये ऑब्जेक्ट बड़ा होता तो ये फार्मूला नहीं लगाया जा सकता था. इन दैट केस इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट एंड डिस्टेंस हम लेते u1, रियर एंड जिसकी डिस्टेंस हम लेते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2, इन दोनों पे अलग अलग मिरर फार्मूला लगाया जाता. इन दोनों के अलग अलग यहाँ पे इमेजेस बनती. ये वाला डिस्टेंस होता हमारे पास v2 और ये वाला डिस्टेंस होता हमारे पास v1, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास बनेगी. फिर इन दोनों के बीच का जो आप डिफरेंस निकालेंगे वो आपकी विड्थ ऑफ इमेज होगी. सो बड़ी साइज के ऑब्जेक्ट के लिए हमको एजेस की इंडिपेंडेंट इमेजेस निकाल के उनकी इमेजेस के डिस्टेंस को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तो हमारे पास साइज निकलेगा. इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप एग्जामिनेशन में गलती कर बैठेंगे. सो जस्ट बी केयरफुल फॉर द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. छोटे साइज के लिए क्या करना है और बड़े साइज के लिए क्या करना है, दोनों चीजें हम ले चुके हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स, हम यहां पे बात करने वाले हैं वेरिएशन कर्व ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ अ मिरर. कई बार क्वेश्चंस ग्राफिकल एनालिसिस पे पूछे जाते हैं, सो ये चीजें समझना भी बहुत जरूरी है. लेकिन यहां पे कर्व्स समझाने से पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको. बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि कर्व्स साइन पे डिपेंडेंट होते हैं. एक्स और वाई एक्सिस में अगर आपने साइन गलत ले लिए तो कर्व्स आपके गलत आएंगे. और कर्व्स अगर साइन कन्वेंशन को चेंज करते हैं, मिरर के ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, तो भी कर्व्स चेंज हो जाते हैं. जैसे मैंने यहां पे कॉनकेव मिरर के लिए वेरिएशन कर्व बना रखा है विद यू एंड वी. यू इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, वी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस. मिरर जो यूज किया गया है वो लेफ्ट में फेस कर रहा है रिफ्लेक्टिंग साइज, और लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव लेके सॉल्व कर रहे हैं. आप चाहें तो अपना साइन कन्वेंशन भी यूज कर सकते हैं. जो चाहे का साइन कन्वेंशन यूज करें, मेजर इंपैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा. चाहे एनसीईआरटी कन्वेंशन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव या जो मैंने कोऑर्डिनेट कन्वेंशन बताया, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इसमें. रादर एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है. आप देखें यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है यानी -2f पे रखा जाता है तो इमेज -2f पे होती है. यानी ये वो पॉइंट है जो -2f, -2f है. यानी अगर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है. जो इमेज फॉर्मेशन होगा और उसका वेरिएशन ऑब्जेक्ट की पोजिशन के साथ इस कर्व के साथ चेंज होगा. अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे होगी. एक बात हमेशा ध्यान रखें जो मैंने पिछली स्लाइड में नहीं बताई थी बट कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे होगी. और जब भी कोई इमेज इन्फिनिटी पे होती है तो हम उसके नेचर की बात नहीं करते. वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है. इन्फिनिटी पे रखे गए इमेज या ऑब्जेक्ट के नेचर की कभी भी बात नहीं की जाएगी. सो इन दिस पर्टिकुलर केस आप देखें, अगर u को हम f ले लेते हैं -f, तो u को अगर -f लेंगे तो आप देखिए इमेज दोनों तरफ अवेलेबल है. इन्फिनिटी पे v का वैल्यू आ रहा है. अब अगर आप u को f के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे यानी f से कम करेंगे तो इमेज का वेरिएशन इस कर्व के अकॉर्डिंग होगा. u को f के राइट साइड यानी c की तरफ ले जाएंगे तो इमेज का वेरिएशन इस कर्व के अकॉर्डिंग होगा. सेम कर्व यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एक्सप्लेन किया गया है. लेकिन ये कर्व आप देखें थोड़ा सा इस कर्व की मिरर इमेज है. मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का भी लेफ्ट साइड रिफ्लेक्टिंग लिया है यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव लेके सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये अपोजिट साइड में है. लेकिन अगर हम यहाँ पे मिरर्स की साइड चेंज कर दें, यानी अगर मिरर एग्जामिनेशन में ऐसा आ जाता है आपके सामने और ये कॉन्वेक्स मिरर भी ऐसा आ जाता है, तो आप ध्यान से समझिए ये कर्व्स इंटरचेंज हो जाएंगे. कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये कर्व यूज़ होगा और कॉनकेव मिरर के लिए ये वाला कर्व यूज़ होगा. कैसे चेंज हो रहे हैं मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पेपर में अपने हाथ से ड्रॉ करके सारी पॉसिबल कंडीशंस एनालाइज करके देखें कि किस तरह का कर्व आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. कर्व दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे अगर रिफ्लेक्टिंग साइड बदल जाती है तो. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल डिपेंडिंग अपॉन द साइन कन्वेंशन यू आर यूजिंग. साइन कन्वेंशन के साथ ये चीज़ें चेंज हो जाएंगे. अगर आपने रिफ्लेक्टिंग साइड चेंज करी, साइन कन्वेंशन भी चेंज कर दिया, इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो वही कर्व रह जाएंगे जैसे ड्रॉ किए गए हैं. वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते चाहे रिफ्लेक्टिंग साइड राइट में हो या लेफ्ट में हो. सो मैं यही चाहूँगा
इसी जगह पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो के थोड़ी देर पॉज देके इन चीज़ों को समझ लें. कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, लेकिन हो सकता है जो चीज़ें मैंने अभी क्विकली एज अ रिविजन एक्सप्लेन करी तो स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है, लेकिन अपने हाथों से आप एनालाइज करेंगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और कहाँ इमेज बन रही है, आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा और कम्फर्टेबली आप इसको हैंडल कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स अभी हम आगे बढ़ेंगे, कर्व्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके चलें, क्योंकि ये एक ऐसे सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनमें कई स्टूडेंट कन्फ्यूजन की वजह से या छोड़ देते हैं या नेगेटिव मार्किंग में अपने मार्क्स लूज करते हैं. जबकि यहाँ पे अगर ये दो कर्व आपको स्फेरिकल मिरर के समझ में आ गए, रैदर मैं ये कहूँगा दो अलग अलग कर्व नहीं है, एक ही कर्व्स के दो फॉर्मेट हैं, अगर ये समझ में आ गए तो कभी कर्व्स में आपकी गलती नहीं होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. पोजी प्लीज़ क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन पे आ चुके हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर ऑन इमेज. इन केस ऑफ प्लेन मिरर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब मिरर मूव करता है तो इमेज वेलोसिटी मिरर वेलोसिटी की डबल होती है अगर वो अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, और मिरर अपनी सरफेस के अलोंग मूव करता है तो इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं आता. आइए यहाँ पे देखते हैं, अगर स्फेरिकल मिरर हमें दिया गया और मिरर फिक्स है और ऑब्जेक्ट में एक वेलोसिटी है जिसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक वी ओ वाई और एक हो सकता है वी ओ एक्स, तो इस ऑब्जेक्ट की जहाँ भी इमेज प्रोड्यूस होगी उस इमेज पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सारे डेरिवेशन कॉन्सेप्ट वीडियो में एज वेल एज वॉल्यूम 4 ऑफ फिजिक्स गैलेक्सी बुक में अवेलेबल है. बट यहाँ टू द पॉइंट हमें बात करनी है, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो हमें ये बात पता है कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनती है. अब बात ये आती है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी अगर ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है तो. सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर ऑब्जेक्ट मोशन. इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट मोशन आप ध्यान रखेंगे, अगर हम वाई डायरेक्शन में यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कैन डायरेक्टली बी गिवन एज मैग्निफिकेशन टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज इन वाई डायरेक्शन. मैग्निफिकेशन इज वी बाई यू, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एम इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वी बाई यू. और बात आती है डायरेक्शन की कि ये पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी, सो आप डायरेक्टली कह सकते हैं मैग्निफिकेशन का साइन बता देगा. आप या तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, और यूज नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज टू चेक डायरेक्शन ऑफ इमेज मोशन. यानी अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है तो उस इमेज की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है तो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी. जो हम ओरिएंटेशन में पढ़ चुके हैं, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज इन्वर्टेड होगी, या तो आप यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करें और मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं तो आपको नेचर को यूज़ करना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए. दैट इज़ हाउ यू नीड टू जज इट. यानी अगर वेक्टोरियली लगाएंगे तो आप ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ वाई वेक्टोरियली इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाई. दिस हाउ यू आर गोइंग टू यूज. अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, दिस फॉर वाई डायरेक्शन. सिमिलरली हम बात करें फॉर एक्स डायरेक्शन, सो आपको यहाँ पे ध्यान देना है velocity of image in x direction is equal to m square times velocity of object in x direction. ये चीज़ ध्यान रखें, m square is the lateral magnification, here it is also called the velocity magnification. अब वापस हम बात करते हैं sine की, तो यहाँ पे sine आप analyze करेंगे by the relative position of image formation. जैसे इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप फॉर्मूले में डायरेक्शन पे डिपेंडेंट ना रहें. हम मैग्नीट्यूड की बात करें, हम वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन इज एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन जज कीजिए. अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट की तरफ जा रहा है तो अंडरस्टूड है इमेज अवे जा रही होगी, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन. यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इधर होगी, यानी नेट वेलोसिटी इधर कहीं निकल के आएगी. सो यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉर एक्स डायरेक्शन, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी. सो आप देखिए किस तरीके से हमने एनालाइज किया, अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे जा रहा है तो इमेज इन्फिनिटी पे जाएगी. दिस इज द बेस्ट वे टू एनालाइज. गिवन क्वेश्चन में लिमिटेड 6 केसेस हमने पढ़े थे कॉनकेव मिरर के,
दो केसेस हमने करे थे कॉन्वेक्स मिरर के, वो मैंने यहाँ कराते हुए दोबारा बोला था कि आपने नाइन्थ या टेंथ में भी पढ़े, लेकिन दोबारा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई क्वेश्चंस डायरेक्टली हैंडल हो जाते हैं. सो वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका उन्हीं आठ केसेस को दिमाग में रखना है. अगर आप फॉर्मूले के साइंस की तरफ जाएंगे तो यू मे गेट कन्फ्यूज और क्वेश्चन थोड़ा भी ट्विस्टेड हुआ तो आप गलती कर देंगे. लेकिन अगर हम इस तरीके से चलते हैं कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो किधर जाएगा, तो इमेज कहाँ पहुँचेगी, आपसे कभी गलती नहीं होगी. एंड द क्वालिटेटिव वे ऑफ एनालाइजिंग द डायरेक्शन ऑफ इमेज वेलोसिटी इज द बेस्ट एंड फुल प्रूफ मेथड जिसमें कभी गलती होने के चांसेस नहीं है. सो ये चीज़ आप ध्यान रखें. अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि मिरर में मोशन हो तो क्या होगा, तो हमको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको इन्हीं फॉर्मूला में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर लेनी है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मिरर में मोशन है तो आपको सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कंसिडर करनी है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ मिरर इज मूविंग देन यूज ऑब्जेक्ट एंड image velocity with respect to mirror, nothing else is required to be done. अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे हमने ये चीज़ प्लेन मिरर में क्यों नहीं करी. सो मैं ये कह सकता हूँ आप वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट कंसिडर करना ज़्यादा ईजी था. आप रिलेटिव लेके पहले वेलोसिटी ऑफ मिरर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इमेज वेलोसिटी में ऐड करेंगे, रिजल्ट वही आएगा. प्लेन मिरर में डायरेक्ट कैलकुलेशन है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है आपको फॉर्मूले यूज़ करने. इस वजह से बेटर ये होगा कि जैसे अगर यहाँ पर मिरर राइट वर्ड यूज़ कर रहा है विद द वेलोसिटी वी एम, तो आप ऑब्जेक्ट वेलोसिटी को VOX प्लस VM ले लीजिए, फिर इमेज वेलोसिटी निकाल के उसमें से VM को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास एक्चुअल इमेज वेलोसिटी आ जाएगी. सो ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू मिरर लेना इज अ डायरेक्ट वे आउट फॉर एनालाइजिंग द केसेस जहां पे मिरर में मोशन होता है, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, इससे इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. सो आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली किसी भी तरह की कोई गलती होने के चांसेस नहीं है. आइए लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ पॉइंट्स में हमें थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स तक काम आते हैं, इसलिए आखिरी पॉइंट भी बहुत काम का है. यहाँ पे मैं एक साथ दो चीज़ें कवर करूँगा, इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ मिरर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाले जो केसेस होते हैं जो जनरली जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी जेई मेंस में रिपीट हो जाते हैं. सो दो तीन चीज़ें बची हैं, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स कि आप केयरफुली चीज़ों को फॉलो करें. अगर कभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं तो वो इस तरह से आते हैं. मैं इलस्ट्रेशन फॉर्म में इस चीज़ को ले रहा हूँ कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है M1, इसके सामने एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है एंड दैट इज़ M2, और इन दोनों के बीच में L इसका डिस्टेंस गिवन है और क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की पहले लाइट M1 पे गिरती है फिर M2 पे गिरती है और हमें फाइनल इमेज ऑब्टेन करनी है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दो बार मिरर फॉर्मूले को यूज़ करना है. अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस M1 से u दिया गया है या u1 दिया गया है तो आप पहले इस पे लाइट गिराएंगे बाई यूजिंग मिरर फार्मूला, इमेज निकालेंगे और मान लेते हैं इमेज डिस्टेंस वी1 निकल के आता है and this is the position where image is being obtained, तो ये light finally यहाँ पर आती है. This is image वन produced by mirror M1. और सक्सेसिव रिफ्लेक्शन का केस है, यानी अब इस इमेज वाली जो लाइट है वो फर्दर इस M2 के ऊपर गिराई जाएगी और सेकंड रिफ्लेक्शन में हम ये चेक करेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी. तो अब सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए L माइनस V1 हमारा U2 होगा. U2 इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर मिरर M2, यानी फर्स्ट मिरर की जो इमेज है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. और अब U2 यूज़ करके आप वापस मिरर फार्मूला निकाल के V2 निकालेंगे. मान लीजिए यहाँ से रिफ्लेक्ट डाइवर्जिंग फॉर्म में होती है और ये हमारी इमेज I2 निकल के आती है एंड दिस डिस्टेंस इज V2. मैंने सिंबॉलिक लिया है, प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ खेलेंगे और फाइनल रिजल्ट्स निकालेंगे. तो ये हमारी फाइनल इमेज है, क्योंकि डाइवर्जिंग लाइट है इमेज इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्चुअल. बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. लेकिन अगर इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन में ये कहा जाए कि इन दोनों मिरर्स M1 M2 को सेम प्रिंसिपल एक्सिस पे ना रख के सेकंड मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस को शिफ्ट किया गया तो क्या होगा, आइए उस केस को देखते हैं. इसको एक हम मान सकते हैं केस वन है जहाँ पे M1 एंड M2 आर ऑन
सेम प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम केस टू लेते हैं जिसमें हम ये लेते हैं एम टू हैज अ शिफ्टेड प्रिंसिपल एक्सिस, तो सिचुएशन इस तरह की होगी। हमारे पास फर्स्ट मिरर ये एम वन रहेगा, डिस्टेंस बराबर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन जो मिरर एम टू है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस मैं यहाँ पे डॉटेड बना रहा हूँ और इसे हमने थोड़ा सा शिफ्ट करके ऊपर रखा है। आई होप ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग मी। एम वन प्रिंसिपल एक्सिस है ये डार्क वाली, इसको हम लिख देते हैं पी ए वन, और ये डॉटेड वाली है पी ए टू। पहले दोनों सेम प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे गए थे, अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को शिफ्ट किया गया है। ऑब्जेक्ट वही है जहाँ पे गिवन था, ओ इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस यू वन, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, दैट इज एल। तो ऑब्वियसली अगर मिरर वन सेम है इसकी फोकल लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग आप निकालेंगे तो जो फर्स्ट इमेज बनेगी वी वन डिस्टेंस पे वो भी उसी पोजिशन पे बनेगी जहाँ पे पहले निकाली गई थी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाती हैं, रिफ्लेक्ट होके आई वन बनाती हैं। अब फर्क ये पड़ेगा कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जब इस आई वन को यूज़ किया जाएगा तो ये वाली लाइट रे जब इस पर गिरेगी तो आप यू वन यू टू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूज़ करेंगे वो सेम यूज़ करेंगे एल माइनस वी वन। साइन कन्वेंशन आप जैसा भी यूज़ करना चाहें करें, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही रहेगी यू टू, दैट इज एल माइनस वी वन। इमेज प्रोडक्शन भी वही होगा एट द पोजीशन आई टू, लेकिन अब इमेज एग्जैक्टली उस पॉइंट पे लोकेट नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्प्लेस्ड है। अगर इन दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस एच है तो आप देखिए सेकंड मिरर के लिए जो आई वन है इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, यानी ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड लिया जाएगा हैविंग अ हाइट एच। तो अब जो इमेज बनेगी क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है दैट मींस वो इरेक्टेड होगी, इरेक्टेड होगी तो हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट होगा, वैल्यूज वही रहेंगे क्योंकि मिरर फार्मूला पैराक्सियल रेज के लिए चेंज नहीं होता। हाइट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वी टू बाई यू टू मल्टीप्लाइड बाई एच, एच इज द सेपरेशन बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है। सो इफ एच आई इज दिस, सो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो उतनी ही डिस्टेंस वी टू पे बनेगी जो पहले बना था, लेकिन इस पॉइंट से एट ए डिस्टेंस हम ये कंसिडर कर सकते हैं इट शुड बी डिमिनिश्ड, सो इट हैज़ टू बी टेकन एट अ पॉइंट हियर। तो ये इस पॉइंट पे बनेगी, दिस विल बी एच आई। इस बात को समझें, ये जो एच आई होगा वो इतना होगा और ये वाली वो फाइनल इमेज होगी जहाँ से ये लाइट रे आती हुई अपियर होंगी। यू नीड टू बी केयरफुल, पहले जो इमेज प्रोड्यूस हुई थी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हुई थी, लेकिन अब जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है वो नई प्रिंसिपल एक्सिस से एच आई डिस्टेंस नीचे हो रही है और एच आई एच से कम होगा, यानी दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में कहीं इमेज प्रोड्यूस होगी। तो जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन में पूछा जाता है इमेज के एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सो इन दोनों केस में एक्स कोऑर्डिनेट में इमेज के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट विल गेट चेंज। सो आई होप स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट होने से ऑब्जेक्ट में हाइट इंट्रोड्यूस हो गई और अब हमको मैग्निफिकेशन यूज करके उसकी वाई एक्सिस की पोजिशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। So dear students, now here we are almost at the level of concluding this checklist of reflection of light. Ek last concept main le raha hu, image formation of planet, sun, moon, heavenly bodies, jis pe bhi questions puche jate hain, aur is concept ke sath hum is checklist ko conclude karenge. So stay tuned for the last point. Poji, please clear karo. Thank you Poji. सो स्टूडेंट, दिस द पॉइंट जहाँ पे हम अपनी चेकलिस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन को ख़त्म करेंगे, लेकिन एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत ज़रूरी है अच्छे से समझना, दैट इज़ इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जब बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं तो हमें पता है ऑलमोस्ट पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं और पैरेलल लाइट रेज की वजह से इमेज फॉर्मेशन फोकल पॉइंट या फोकल प्लेन में होता है। आइए बात करते हैं एक प्लैनेट सन या मून के केस में। एक हेवनली बॉडी है जिसे हम सर्कुलर बॉडी मान सकते हैं, जिसका डायमीटर डी है, डी एस ले लेते हैं इफ़ दिस इज अ सन। अगर ये एक सोलर डिस्क है, सोलर डिस्क सन का वो क्रॉस सेक्शन जो हमें अर्थ से दिखाई देता है, अगर इस सोलर डिस्क की इमेज बनाई जाए तो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड कि ये फोकल प्लेन में इसकी इमेज बनेगी। सो अगर सोलर डिस्क की एजेस को देखा जाए तो इन एजेस से जो भी लाइट रेज इसकी पोल पे इंसिडेंट होंगी, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो ये सारी लाइट रेज एज इट इज़ आएंगी और दूसरी तरफ से
रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, यानी फोकल प्लेन में इस तरह की एक ये इमेज बनेगी. दिस वुड बी कंसिडर्ड एज इमेज ऑफ सोलर डिस्क. ये वो केस है अगर सोलर डिस्क एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर पे लोकेटेड है तो. सो इन दिस सिचुएशन सोलर डिस्क का जो डायमीटर होगा, या ये कहें डायमीटर ऑफ इमेज होगा, इसको आप डायरेक्टली कह सकते हैं डायमीटर ऑफ इमेज. यू कैन राइट एज इफ थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाई सोलर डिस्क एट अर्थ. सो डी आई कैन बी रिटन एज एफ थीटा बिकॉज एफ इज द फोकल लेंथ. लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सोलर डिस्क हमारे मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पे लोकेटेड हो. अगर वो लोकेटेड नहीं भी होगी, किसी और स्मॉल एंगल पे टिल्टेड होगी, तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. सिचुएशन इस तरह की बन जाएगी कि अगर यहाँ पे ये सोलर डिस्क है तो इससे जो भी लाइट रेज यहाँ पे आके इंसिडेंट होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से रिफ्लेक्ट होके ये वाली लाइट रेज, आप ये कह सकते हैं ये वाली जो लाइट रेज हैं ये यहाँ पे इमेज प्रोड्यूस करेंगी और ये होगी डी आई. एंड इफ दिस एंगल अल्फा इज स्मॉल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेक्सियल रेज, सो अगेन डी आई कैन बी रिटन एज एफ थीटा. तो इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. अगर कॉनकेव मिरर है तो भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी, यानी कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे कहीं पे हम ये मान के चलते हैं सोलर डिस्क है और सोलर डिस्क की जगह आप किसी प्लैनेट की डिस्क या मून की डिस्क या जो भी हमें दिखाई दे रहा है उस सेक्शन की बात करें, तो जो भी लाइट रेज आएंगी वो लाइट रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी. अगर हम पोल की बात करें तो ये इस तरह से पोल पे आने वाली लाइट रेज, इंसिडेंट रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी, सच दैट कि ये वाली जो लाइट रेज हैं ये हमें इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी और फोकल प्लेन में यहाँ पे वर्चुअल इमेज ऑफ सोलर डिस्क बनेगी. और इस इमेज डी आई को भी, क्योंकि ये डिस्टेंस एफ है, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा दिस विल बी थीटा दिस विल बी थीटा, सो यू कैन राइट डी आई इज ऑल्सो इक्वल्स टू एफ थीटा. इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी प्लैनेट, मून, सन या किसी स्टार की अगर इमेज बनाई जा रही है तो इमेज का जो डायमीटर होगा वो होगा एफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द एक्चुअल डिस्क ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. ये थीटा वो एंगल है जो डिस्क अर्थ की सरफेस पे सबटेंड कर रहा है. वहीं अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हम मिरर रखेंगे तो वही एंगल मिरर पे भी लोकेट होगा. सो इस बेसिक पॉइंट को ध्यान रखें. फॉर्मूला याद है तो जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, चाहे वो एडवांस में हो, नीट में हो या जेई मेन में हो, आप कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं. इलस्ट्रेशंस यहाँ पे नहीं लिए गए हैं क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेकलिस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एक बार कोर्स को कवर किया है, वो क्विकली कम टाइम में मिनट्स में अपने सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस चेकलिस्ट के थ्रू अपनी सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं. मैंने वो सारे पॉइंट्स टेकअप किए हैं जिनके ऊपर बेस क्वेश्चन रिफ्लेक्शन में डायरेक्ट पूछे गए हैं या इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, रिविजन अच्छे से हो गया, आप इस वीडियो को लाइक करें. कमेंट्स में कोई आपकी फीलिंग्स हैं, डाउट्स हैं, आप रेज कर सकते हैं, पीजी टीम आपको रिस्पॉन्ड भी कर देगी. और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को और स्प्रेड अ वर्ड ऑफ माउथ फॉर दीज चेकलिस्ट वीडियो, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन चेकलिस्ट वीडियो का फ़ायदा उठा सकें. और इलस्ट्रेशंस कवर करने के लिए, नॉर्मस प्रैक्टिस के लिए आप फिजिक्स गैलेक्सी वेबसाइट पर पीजी कॉन्सेप्ट वीडियोज़ देख सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स फिजिक्स गैलेक्सी ऐप में भी अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप व्यू कर सकते हैं. और इलस्ट्रेशन के लिए आप गैलेक्सी वॉल्यूम 4 बुक में या एडवांस इलस्ट्रेशन या कॉन्सर्ट वीडियो में कहीं से भी ले सकते हैं. इतना बड़ा इकोसिस्टम है, स्काई इज द लिमिट फॉर यू टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड थ्रू इलस्ट्रेशन. सो यहां हम इस चेकलिस्ट को कंक्लूड करते हैं. विश यू ऑल द बेस्ट.